11,000 रुपए सामाजिक व्यवस्था के लिए, लाइब्रेरी के लिए दान दिए। उन्होंने दिया, आज वही उसी परंपरा को रिंकू ने आगे बढ़ाया है और जो आगामी बच्चे लगे वाकई सोच को वो आगे रखें। मैं रिंकू की सोच को सल्यूट करता हूँ। अगर वो सब लोग सोच को ऐसे रखें कि भाई हम अपने गांव के लिए काम करेंगे, अपने विद्यालय के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाऊं, 2017 में अन्ना हजारे जी को औरंगाबाद बुलाया, देश के लिए विश्व के बड़े सुप्रसिद्ध समाज सेवी है। तो मुझे याद आया कि यार जिस विद्यालय में मैं कक्षा 8 तक पढ़ा उसमें कुछ मैं अन्ना हजारे जी के हाथों से कुछ स्थापित कराऊं। तो मुझे मौका मिला, गेट बंद था, पता नहीं चाबी कहां से आई और उस स्कूल में बढ़ता एक पेड़ अन्ना हजारे लगा के गए और वो आज वृक्ष बढ़िया फल फूल रहा है और उसकी बाउंड्री भी गुरुजी ने करा दी। मैं उसके लिए मैंने कहा तो ये था कि गुरुजी मैं कराऊंगा, लेकिन वो गुरुजी ने करा दी। मैं गुरुजी का भी धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, हम सब लोगों को अपने गाँव के विकास के बारे में सोचना है, गाँव के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और इसी तरीके से आगामी जो बच्चे लगेंगे और जो लगे हैं अभी उनका एक सामूहिक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। मैं कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपके जो हमारे गांव के लोग हैं उनसे राय चाहता हूँ, क्या हम एक कार्यक्रम करें भाई? गांव में एक कार्यक्रम करें क्या? करें भाई गांव में कार्यक्रम करें और उसमें उन बच्चों को सम्मानित करें। बच्चे नहीं आए तो उनके माता पिताओं को सम्मानित करें। अब है क्या, नेता वेता तो बहुत सम्मान पाते हैं लेकिन मेरे गाँव का किसान मजदूर कहाँ? उसी तरीके से हम लोगों को करना है। और ये जो लाइब्रेरी बनाने का मकसद था वो ये था कि हम लोग पढ़ तो अपने घर भी सकते हैं, लेकिन इसका लाभ क्या है वो लाभ बता दूं। हम लोग जब अपने घर में पढ़ते हैं तो माँ बाप को कई बार कहते हैं कि अरे भैया भैंस बोल दीजिए, अरे एक ग्लास पानी ला देना, अरे भाई ये ला देना, यानी कि उसको पढ़ने का फ्लो टूट जाता है। और लाइब्रेरी में अगर आ गया तो माँ बाप उसको लाइब्रेरी में बुलाने नहीं आएंगे कि उस भैंस को मान दे या एक ग्लास पानी पिला दे। इसलिए लाइब्रेरी का महत्व बहुत ज्यादा है। इस तरीके से मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं। क्योंकि मेरे इंग्लिश विषय में 200 में से 163 नंबर
मेंस में थी। भारत सरकार में ग्रुप बी की पोस्ट का चयनित हुआ हूँ और ये CGL की एक बहुत टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, 4500 ग्रेजुएट होती है। तो ऐसे ही आप भी मेहनत करें। अगर एक संबोधन और करना चाहता हूँ अपने गांव के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को या साथियों को, अगर आपको रात को 12 बजे भी अगर कॉल करनी है तो रिंकू भाई के पास कभी भी कॉल कर सकते। मुनि बटापुर के इस पुस्तकालय के प्रांगण में आज हम सब लोग उपस्थित हैं। गांव की मातृशक्ति, गांव के नौजवान साथी, बुजुर्ग और सम्मानित रिश्तेदार, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। जय हिंद साथियों, आज बड़े ही हर्ष का दिन है और बड़े ही हर्ष का विषय है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 20 दिसंबर 2020 को गांव मूडी बकापुर के सचिवालय के प्रांगण में गांव के तमाम सब लोगों के द्वारा निशुल्क आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण किया गया और इस निर्माण होने के उपरांत जो गांव के बच्चों के द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई, आज इस लाइब्रेरी में पढ़कर के लगभग 1.5 दर्जन बच्चे हमारे गांव के सरकारी नौकरियों पर लगे हैं। एक बार उन सभी बच्चों जिस दिन इस लाइब्रेरी का उद्घाटन था, मुझे बखूबी याद है कि जब संतोष कुमार जो जनपद बुलंदशहर के SSP और SDM सदर यहाँ आए तो मुझे लग रहा था कि एक हीरा हमारे गांव में भी है और उस हीरे को SSP के साथ खड़ा कर करके मैंने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन रिंकू के हाथों से कराया था। आज वही रिंकू CGL की परीक्षा उत्तीर्ण करके OBC कोटे को भी पछाड़ते हुए जनरल में हाईएस्ट रैंक में ला करके मूडी बकापुर में पहले ऐसे व्यक्ति के रूप में नौकरी प्राप्त की है जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुए हैं। ऐसे करेंगे ताकि जो हमारे गांव के अन्य साथी पढ़ने वाले हैं वो बच्चे ये प्रेरणा ले सके कि जब रिंकू CGL की परीक्षा और गरीबी आर्थिक तंगी से जूझ करके आगे बढ़ सकता है तो जो हमारे गांव के संप्रांत लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनके बच्चे तो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को, बेटियों को आगे लेकर के आना चाहिए ताकि ये गाँव की तस्वीर बदल सके और गाँव के लोग जब भिन्न भिन्न जगह जाकर के नौकरियों पर तैनात होंगे तो जब पता करते हैं कि भाई इंस्पेक्टर कहाँ के हैं, सिपाही कहाँ के हैं या डायरेक्टर कहाँ के हैं, तो तब आपके गांव का नाम आया करेगा कि मूडी बकापुर के हैं। तो इससे आपका गांव का प्रकाश पूरे देश में फैलेगा। तो आज रिंकू की ज्वाइनिंग है और रिंकू के कार्यक्रम, रिंकू को यहाँ से हम लोग बड़े स्वागत के साथ, सम्मान के साथ गाँव के बाहर तक लेकर के चलेंगे और रिंकू ने इस लाइब्रेरी में पढ़ा भी है और गांव के बच्चों को पढ़ाया भी है। तो वाकई रिंकू को जब मैंने शुरू में देखा और गांव के बच्चों ने बताया कि रिंकू दिल्ली में रहकर के तैयारी कर रहा है तो मुझे भी लगा कि रिंकू एक दिन निश्चित कुछ ना कुछ बड़ी सफलताओं पे पहुंचेगा। लेकिन रिंकू ने CGL की परीक्षा पास की, इंस्पेक्टर के पद पे नौकरी पाई, लेकिन उसका जो जज्बा है वो जज्बा यहाँ नहीं रुका। उसका जज्बा जब उसको मैंने उसको बधाई देने के लिए फोन किया तो उसने कहा कि भैया अभी CGL की परीक्षा नहीं, अभी मुझे PCS अधिकारी बनना है। बाहर दो लोग खड़े हैं, डॉक्टर साहब और एक लोग अंदर आ जाएं। बाहर से एक लड़का हमारा जो है हरियाणा पुलिस में लगा है, एक CISF में लगा है, हमारे एक भैया छोटे हैं उनका बेटा फौज में लगा है। तो बच्चे इनके लगते हैं, खुशी मुझे होती है। आप आए और साथ ग्रहण कल्पना कुछ दिनों।